नो एंट्री में दौड़ रहे ट्रक की टक्कर, हादसे में महिला की मौत, शरारती तत्व ने लगाई ट्रक में आग, इलाके में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नो एंट्री में दौड़ रहे ट्रक ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक पर सवार महिला नीलम उर्फ पूजा की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे महिला के देवर मोहित वर्मा की एक टांग कट गई। मोहित को गंभीर हालत में निजी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। दरअसल मोहित वर्मा अपनी भाभी नीलम और भतीजे आयुष के साथ पेरेंट्स मीटिंग से वापस घर आ रहे थे। जैसे ही मोहित प्रभात मार्केट पुल से हनुमान मूर्ति त्राये की तरफ बढ़े, तभी रॉन्ग साइड से निकल रहे ट्रक को देखकर बचने के चक्कर में एक बाइक से टकराकर सड़क पर गिर गए। इसी दौरान नो एंट्री में दौड़ रहे ट्रक ने रौंद दिया। हादसे के बाद ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ट्रक में लगी आग को बुझाया। जब तक ट्रक का केबिन जलकर खाक हो गया। वहीं मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह भदौरिया के मुताबिक ट्रक में किसी शरारती तत्व ने आग लगाई है, इसकी भी जांच कराई जा रही है। घटना के बाद मौके पर जमा हुए लोगों ने मुरादाबाद के ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भैया 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 क्या भैया क्या हादसा हुआ है? क्या हादसा हुआ है? कौन सी जगह है? ये मोहित वर्मा है हमारे मित्र नगरी का। आईडी ऊपर करो। वो स्कूल से बच्चे को लेके आ रहे थे अपने, और ये पुलिस प्रशासन की कमी की वजह से प्रभात मार्केट पे चेकिंग होती है और अपने कटघर कोतवाली के सामने चेकिंग होती है। ये नो एंट्री में ट्रक घुसा, इसके पीछे तीन ट्रक और थे, एक ट्रक इसके पीछे खड़ा है, उसके बावजूद भी ये ट्रक इधर ड्राइवर से रॉन्ग साइड होने के बाद उसके भाई भी उसके नीचे आ गए इसके ट्रक के। उस मोहित वर्मा की टांग के ऊपर पहिया चढ़ गया, उसकी टांग पूरी कुचल हो गई है और उसे दिल्ली रेफर किया गया साई हॉस्पिटल से। इन लोगों की गलती की वजह से बस छोटी सी चेकिंग होती है। यहाँ से हम लोगों के बोले हैं कि हम पीतल नगरी से नॉर्मल यहाँ तक जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग बोलते हैं कि नॉर्मल नहीं है, आपको हेलमेट लगाना जरूरी है, और उसके बावजूद ही नो एंट्री में ट्रक घुस रहा है, इसमें किसकी गलती है? अच्छा, दो जगह चेकिंग होने के बावजूद भी। अच्छा, किस टाइम की घटना है ये? घटना अभी 1:30-1 बजे की घटना है। अच्छा, तो आग कैसे लगी इसमें? आग तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने उसे उनको बच्चे को घर छोड़ने गया था, अभी वहीं से छोड़ के आ रहा हूँ। अच्छा, लापरवाही किसकी मानते, क्या वजह मानते हैं ये घटना जो हुई, क्या वजह मानते हैं? पुलिस प्रशासन की कमी है इसमें, नो एंट्री में ट्रक घुस रहा है, क्या भाभी जी की मौत हो गई है, दो टुकड़े इससे हो गए, आधी बॉडी इधर हो गई, आधी बॉडी इधर हो गई। भैया का ये अभी यहाँ एक ट्रक से एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, एक महिला की मृत्यु हुई है। ये ट्रक यहाँ कोई सरकारी सप्लाई का जो कुछ सामान था उसमें वो जा रहा था, और यहाँ मौके पे कुछ लोग जो तो स्थानीय उसके मृतक के पक्ष के लोग थे वो आक्रोशित हुए थे, उन लोगों के द्वारा कुछ यहाँ आक्रोश किया गया है। फिलहाल यहाँ ट्रक और उसको हटा दिया गया है, डेड बॉडी भी यहाँ से हटा दी गई है और अभी इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर आग कैसे लगी, क्या बताया गया? अभी हम लोग जानकारी कर रहे हैं, संभवतः जो लोग यहाँ आक्रोशित थे उसी में से किसी ने कोई खुराफात की है, और इसमें अभियोगी पंजीकृत किया जाएगा और इस प्रकार के जिनके द्वारा काम किया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कोई कैजुअलिटी भी हुई है और एक्सीडेंट में कितने लोग गए? हाँ, एक्सीडेंट में एक महिला उसकी डेथ हुई है, तो उसकी बाकी पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई की जा रही है और उसमें भी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होलीगेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी है, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।